रिजवान खान फेस रिवील प्लीज प्लीज प्लीज। आप लोग का 5 मिनट हो गया है, आपने रिजवान खान का फेस रिवील क्यों नहीं किया? तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना कम समय में इतना ज्यादा प्यार दिया कि हम लोगों का 5 मिलियन फैमिली कंप्लीट हो चुका है। तो लव यू ऑल, लव यू ऑल। तो अब वक्त आ चुका है हर क्वेश्चन का आंसर देने का, तो लेट्स स्टार्ट द क्यूएनए वीडियो। हेलो टीम स्टार, आई एम चंचल फ्रॉम छत्तीसगढ़। तो मेरा क्वेश्चन यूसुफ और तश्नीम से है कि आप लोग क्या सच में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो? तो बेहतर होगा कि इस सवाल का जवाब यूसुफ भाई दे। गुड क्वेश्चन। देखिए ये हमारी बहुत अच्छी और नेक दिल की कोई नहीं है, है ये नहीं है, कुछ नहीं है ये मेरी। आप लोग गलत समझ रहे हैं, मतलब वीडियो में साथ में डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड? इसकी वजह से हम गर्लफ्रेंड नहीं पटा पा रहे यार, कोई मैसेज नहीं कर रहा, भाई बोल रहा, सब भाई बोल रहा लड़की। हम है ना अभी। तो गाइस हम लोग ओनली बेस्ट फ्रेंड है। हेलो गाइस, मैं समझना हूँ और मैं बैंगलोर में रहती हूँ। मेरा सवाल ये था टीम स्टार वालों से कि क्या तुम लोगों ने कभी लड़की को प्रपोज किया है? तो प्रपोज तो हमने नहीं किया प्रपोज, मेरे को बहुत ज्यादा आया है। अच्छा। लेकिन दिलशाद भाई से पूछते हैं। हम तो कभी किसी को प्रपोज नहीं किया, हमेशा एक्सपोज होते रहते हैं। चेहरा देख के लगता भी है। इमरान भाई, ऐसा कोई जरूरत नहीं समझे अभी तक हम कि किसी को प्रपोज करें। सच बताइए, चप्पल जो खाया था। यूसुफ भाई आप बताएं। कभी करने देते ही नहीं ना, आता है आता भी है तो भगा क्या देती करने है? नहीं देती है प्रपोज। क्या ऐसा सही है बताइए? इसका तो नहीं पता, हम किसी को आज तक प्रपोज नहीं किए। मेरे को कर दीजिए। आप जी आप तो हर जगह गिर जाते हैं देखते हैं। मेरा इतना शकल ही अच्छा नहीं है कि हम किसी को प्रपोज करें। मेरा नाम फरहान है, मैं कोलकाता से रहता हूँ और मेरा टीम स्टार से सवाल है कि बचपन में किसी न किसी को मजाक से हम चिढ़ाते हैं, आपका नाम बचपन का नाम क्या है? आपका सवाल काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि आपको बचपन में किस नाम से चिढ़ाते थे। तो अफरीदी भाई आप अपना बताएं। अरे क्या बताएं, पूरा परेशान हुए हुए मोहल्ला में, सब सलमान खान बोलता है। सलमान ना कटरीना, मोहल्ले का नाम है बचपन का। हाँ तो रुक जाइए, थोड़ा हॉट बॉय यूसुफ। हॉट बॉय इमरान भाई, इमरान भाई का मेरा ऑलवेज रामू काका, घर पे इसको प्यार से चाचा बोलते हैं। पाटेकर साहब, पाटेकर साहब, नाना पाटेकर, छोटा पाटेकर। हम टीम स्टार की प्रिंसेस हैं, सब जानते हैं। इग्नोर। तो बाकी ये आवाज सुनी रहोगे, इनविजिबल इनविजिबल बॉय। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो रुखसार खान का सवाल है कि आप लोग इमरान बादशाह का मजाक बनाते हो, तो क्या इमरान भैया आफ्टर वीडियो क्रिएटिंग आप लोगों से बदला लेते हैं? क्या बदला लेने लायक है? चलिए इमरान भाई। सबसे पहले तो बोलना चाहेंगे कि कुछ ही बोल सकते हैं, हमारा मजाक कोई नहीं उड़ा सकता। जब बोल नहीं पा रहे अच्छा से तो बदला कहाँ से लगेगा? तो समझ रहे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो भाई, आई एम जैद। हेलो, आई एम यूसुफ। और मेरा टीम स्टार से ये सवाल है कि सारे मेंबर्स का बर्थडे डेट क्या है? डेट ऑफ बर्थ बताते हैं, पहले आप हमको ये बताइए आपका हाल ठीक है कि गर्लफ्रेंड छोड़ दी से बउआ? हाँ तो सबसे समझदार आदमी बताइए अपना। मेरा 12 अक्टूबर। 12 अक्टूबर, यस। डेट पे गए थे आप? इनके दुआ पे जिंदा रखे हुए हैं। 12 अक्टूबर। आर्यन भाई मेरा अभी आने वाला है 10 नवंबर। 10 नवंबर, हाँ। कोई भी मत कीजिएगा। निषाद भाई मेरा 14 नवंबर चिल्ड्रन डे। चिल्ड्रन डे 14 नवंबर। अभी बच्चा है। हाँ तस्लीम, हम 5 बजे 5 तारीख को 8वें महीना 2005 में हुए। टाइमिंग मत बताइए, टाइमिंग वाइमिंग नहीं पूछ रहा उस टाइम पापा का। उस टाइम इसको कितना अच्छा टाइमिंग बैठाया था। अच्छा, तो यूसुफ भाई आप भी वही टाइम पे हुए होंगे, बोल दीजिए, इतना मोहब्बत है तो बोल दीजिए। नहीं मेरा कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कभी भी विश कर सकते हैं, कभी भी हो सकते हैं। तो अप्रिति भाई आप अपना तो बताए नहीं। अब मेरा तो सब जानता है भाई। हाँ क्या? 10-10-20 है कि किस साल के हो रहे हैं भाई? किस साल के? डेट बताओ, डेट बताओ, डेट। 5 फरवरी। 5 फरवरी, फरवरी नहीं, फरवरी। तो नेक्स्ट सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप लोगों को 1xBet के बारे में बताना चाहता हूँ। 1xBet एक भरोसेमंद स्पोर्ट बुक है, इसमें विजेता बनने के कई तरीके हैं जो आपके सपनों को सच कर सकता है। जैसा कि आपको पता है क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा है और इस ऐप में आप सभी लाइव मैच के नतीजे देख सकते हैं और स्कोर का अनुमान लगाकर आप बेट लगा सकते हैं और इसमें आप सच में पैसा कमा सकते हैं।
सकते हो, बल्कि कार, आईफोन, लैपटॉप और अन्य नगद पुरस्कार जीतने का मौका है। और इसमें बहुत तरह की गेम भी है, जैसे फेमस गेम क्रश। और एक बात, इस ऐप को रजिस्टर करते समय मेरा प्रोमो कोड STAR7 यूज करके पहला जमा राशि पर आप 26,000 तक प्राप्त कर सकते हैं, और आप अपनी जीत की रकम पेटीएम बैंक और अन्य आसान तरीके से निकाल सकते हैं। तो गाइज, लिंक और प्रोमो कोड को मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है, तो नगद पुरस्कार जीतने के लिए प्रोमो कोड का उपयोग करें। तो गाइज, नेक्स्ट सवाल का जवाब तो दिया ही जाएगा, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि हमारे टीम में और भी लोग हैं जो स्पेस की वजह से नहीं दिख रहे होंगे, तो कुछ लोगों को हटाकर उनको लाते हैं। आप लोग देख सकते हैं, जो लोग मिसिंग थे वो लोग आ चुके हैं। हाय हाय। और जिनको जहाँ बैठना था बैठ भी चुके हैं। तो बैठ तो गया, हाथ हाथ रहा, हाथ रहा। चल कुत्ता जूता साफ करना था कर। हाँ तो नीचे बैठाया, रह रहे पैर दबाना तो रहे, ठीक पीछे जाएंगे नहीं, यही बैठना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेलो, मेरा नाम दिया है, मैं असम से हूँ। हाय दिया, आई लव असम। आई ऑल्सो लव आसम, या आसम की लड़की दोनों। लेकिन इस पर छत से मत कूदिएगा। मजाक था, मजाक था। और मेरा क्वेश्चन है कि आप लोगों में से रियल में GF किसकी है? तो आपका सवाल था कि आप लोग के पास गर्लफ्रेंड है कि नहीं। आप लोग इतना प्यार देते हैं वीडियो पे, थोड़ा हम लोग को भी प्यार दीजिएगा तो सर। तो चार्ट हो जाए। हाँ तो अमन बताइए, आप जहाँ बैठे मेरे तो ना लगता है गर्लफ्रेंड होगी। चलिए तो मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, अगर आप रेडी हो जाइएगा तो हो जाएगी। तो मेरे पास गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा पता है कि ना होगी। नहीं है, बहुत है। बॉयफ्रेंड बताइए आप। अच्छा दीजिए राजा। नहीं, मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है। तो मांगिए मांगिए, यहाँ पे बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्योंकि मेरे पास मनी नहीं है तो गर्लफ्रेंड कहाँ से है? नहीं तो सवाल ही नहीं उठता है सब चीज का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गौरव भैया ने पूछा है, YouTube के साथ साथ आप कोई और वर्क करते हैं? तो अफरीदी भाई आप बताएं पहले। बिल्कुल करते हैं, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं। हाँ, और घर का काम करते हैं। अच्छा, अमन भाई पढ़ाई करते हैं? हम एक जगह नाइट जॉब करते हैं, जहाँ कॉलिंग का जॉब है, तो हम रात भर कॉल पे रहते हैं। लड़की से बात करते हैं, नाइट जॉब समझिए। वही घर का काम करते हैं। आप बाल कटवाइए। आप तस्लीम कोचिंग करती हूँ, पबजी खेलती हूँ और घर का काम करती हूँ। झूठ बोल दिया, साथ में रात में। और मेरा यही अभी जॉब है कि रात में बिग बॉस देखते हैं। वाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आप लोग के मम्मी पापा को पता है कि आप लोग यूट्यूब पे हो, और अगर पता है तो उनका रिव्यू क्या है? तो हाँ पता है, हम लोग के सबके फैमिली वाले को पता है कि हम लोग यूट्यूब पे हैं, और उनका रिव्यू अच्छा है कि हम लोगों को इंटरटेन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय का नाम चाय क्यों रखा? बड़ा इजी सवाल है। चाय का चाय इसलिए रखा गया कि उसमें आलू ढलाता है, प्याज ढलाता है। सवाल ऐसा तो जवाब भी तो थोड़ा। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा गया अब उस पे आते हैं, वो है 5 मिलियन कंप्लीट हो गया, अभी तक आप लोग रिजवान खान का फेस रिवील क्यों नहीं किए? इस चीज से हम लोग खुद काफी दिन से परेशान है, यहाँ तक कि जब से 5 मिलियन कंप्लीट हुआ तब से यूट्यूब शॉर्ट्स पे कमेंट, डेली व्लॉग पे कमेंट, इंस्टा पे कमेंट, पर्सनल DM, हर जगह पे यही पूछा जा रहा है कि आप लोग रिजवान खान का फेस रिवील क्यों नहीं किए, 5 मिलियन कंप्लीट हो गया। तो इसका रिप्लाई अफरीदी भाई देंगे। तो अफरीदी भाई, हम खुद और अपने टीम के तरफ से सबसे पहले आप लोगों को सॉरी बोलना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने जो वादा किया था कि 5 मिलियन पे रिजवान खान का फेस रिवील करेंगे वो नहीं किए। उसका बस एक ही रीज़न है कि रिजवान खान को फेम का उतना शौक नहीं है, और वो बिहाइंड द कैमरा ही रहकर आप लोगों को अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छी अच्छी कंटेंट देते रहेंगे। और अगर आप लोग ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, अगर ज़्यादा उनको खोजिएगा, तो इन फ्यूचर आप लोगों के प्यार से और हम लोग के रिक्वेस्ट से वो सामने ज़रूर आएंगे, जितना तक हम लोग जानते हैं। तो उम्मीद करते हैं गाइस कि आप लोग हमारी बातों को समझे, क्योंकि हम लोग हर चीज़ देख सकते हैं लेकिन आप लोग की नाराज़गी नहीं देख सकते हैं। और ये Q&A वीडियो काफ़ी लंबा जा रहा है, तो हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।